बढ़ती गर्मी के बीच महाराष्ट्र में सूखा इस कदर भयावह हो गया है कि गांव के गांव वीरान होते जा रहे हैं। राज्य में ऐसे तकरीबन 5000 गांव हैं जहां पीने के लिए पानी नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बीते वर्षों में सामान्य से कम बारिश और इस साल मॉनसून में देरी के चलते महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति भयावह हो गई है। राज्य के तकरीबन 5000 गांव में पानी नहीं है, जो पानी के टैंकरों पर निर्भर है। राज्य सरकार 6500 पानी के टैंकरों से इनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में पानी के टैंकर राज्य में कभी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इससे पहले 2016 में 616 टैंकर इस्तेमाल हुए थे। राज्य के मराठवाड़ा इलाके में हालात सिहरन पैदा करने वाले हैं, जहां तकरीबन आधे टैंकर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मराठवाड़ा में कई जिलों के गांव में 90% लोग दरबदर हो गए हैं और लाखों की संख्या में लोग पानी की तलाश में भटक रहे हैं। गांव में सिर्फ बुजुर्ग या बीमार बच गए हैं जो चल फिर नहीं सकते। मवेशियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है जो प्यास के चलते दम तोड़ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र 72% सूखे की चपेट में है, जहां फसलें ना के बराबर हुई और करोड़ों किसानों के खाने के लाले पड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सूखे ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।